हेलो एवरीवन, दानियल इज हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईफोन और वर्सेस एंड्रॉइड टी के कौन सा फोन ज़्यादा बेहतर होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है सस्ती रेंज में या और रेंज के ऊपर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम आईफोन के अंदर उसकी बात करेंगे तो एक ही कंपनी है जो आईफोन बनाती है, वो है एप्पल। और उसे पता है कि हार्डवेयर किस तरह से डिज़ाइन करना है और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी कंपनी का है, तो हार्डवेयर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में दोनों एकदम कंपेटेबल है, कभी क्रैश नहीं होता, कभी हैंग नहीं होता इसकी वजह से। लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉयड फोन की तो एंड्रॉयड फोन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल का है और वो फ्रीली ओपन सोर्स प्रोवाइड करता है दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। तो यही वजह है कि हार्डवेयर के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आईफोन ज़्यादा बेहतर है, आईफोन ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो हार्डवेयर भी उन्हीं का है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हीं का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स के हवाले से तो अभी उसके अंदर भी आईफोन भी विनर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है सबसे ज़्यादा पहले और हर मोबाइल के ऊपर, हर डिवाइसेस के ऊपर एप्पल जो है लॉन्च करता है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर आपको बहुत छोटी रेंज से लेकर बहुत बड़ी रेंज तक फोन देखने को मिलते हैं, लेकिन जब उसकी अपडेट्स आती है तो वो कुछ ही फोन पर आती हैं जो लेटेस्ट और जो एडवांस फोन होते हैं उन्हीं के ऊपर आती है, सभी फोन के ऊपर नहीं आती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आईफोन के अंदर जो है मैलवेयर और आप कस्टमाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, यही वजह है कि एप्पल को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहाँ पे आप ऐप जो है विदाउट चेक एंड बैलेंस के आप नहीं अपलोड कर सकते, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऐप स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो हर चीज़ उसके अंदर चेक करते हैं, वो जंक फाइल्स वगैरह को नहीं अपलोड करने देते। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के ऊपर आप कोई भी चीज़ बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, जब यूजर उसको डाउनलोड करता है तो वो एक्चुअल में बैंकिंग या वायरस की शक्ल में बाहर आता है। उसके बाद बात करते हैं ऐप स्टोर की और प्ले स्टोर की, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ऐप स्टोर के ऊपर कुछ ऐप कम है प्ले स्टोर के मुकाबले में, लेकिन ऐप स्टोर के ऊपर जो ऐप होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो बिल्कुल वर्क करने वाली ऐप होती हैं। ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड करें तो पता चलता है कि वो ऐप किसी काम की ही नहीं है, और ये एंड्रॉयड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अभी तक हमने तीन चार चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर आईफोन ज़्यादा बेहतर था, हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर और ऐप स्टोर के अंदर। ऐप स्टोर के अंदर जो भी गेम्स वगैरह बनाने वाली बड़ी कंपनीज हैं वो पहले ऐप स्टोर के लिए गेम बनाती हैं, उसके बाद प्ले स्टोर के लिए गेम बनाती हैं। अब बात करते हैं बैटरी की, यहाँ पर बैटरी के अंदर आईफोन विनर नहीं है, यहाँ पर एंड्रॉयड विनर है, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी एंड्रॉयड जो है दिन ब दिन उसको एनहांस करता चला जा रहा है, और यही वजह है कि एंड्रॉयड उसके अंदर विनर है। और अगर स्क्रीन साइज डिस्प्ले की बात करें तो भी उसके अंदर एंड्रॉयड ज़्यादा बेहतर है, और स्क्रीन जो है स्क्रीन साइज टच वगैरह उसके अंदर भी एंड्रॉयड ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आईफोन की। और अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करें तो आईफोन जो है आपको 50-60 हज़ार रुपये से मिलना शुरू होता है आईफोन 6S वगैरह, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो 20-30 हज़ार रुपये से ही स्टार्ट हो जाते हैं मिलना। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप कौन सा फोन, अगर आप पूरे पैकेज के तौर पर फोन लेना चाहते हैं 40-50 हज़ार तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आईफोन ले लें। लेकिन आईफोन के अंदर कुछ कमियाँ हैं कि आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, बस वॉलपेपर चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लेकिन थीम नहीं चेंज कर सकते, रूट नहीं कर सकते, मोबाइल को अपने हिसाब से कोई चीज़ उसके अंदर डाल नहीं सकते। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर बिल्कुल ओपन सोर्स फ्रीली कस्टमाइजेबल है, आप जो दिल में चाहे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।